Dr. Mansukh Mandavia to reply to the discussion. Deputy Chairman, sir. National Dental Commission एवं National Nursing and Midwifery Commission Bill आज सदन में 9 सदस्यों ने बिल के समर्थन में अपनी बात रखी। जो सदस्य अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं, सभी ने समर्थन दिया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। सुस्मित पात्रा जी, मुकर सिकंदर कुमार जी, एस निरंजन रेड्डी जी, एम थंबी दुराई जी, जी के वासन जी, भुवनेश्वर कलिता जी, ममता मोहंता जी, विजय साई रेड्डी जी और कनक मेटला रविंद्र कुमार जी, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है। विषय डिप्टी चेयरमैन सर ये है कि हम हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदलाव कर रहे हैं, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं, वो कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, और देश के समय स्थिति के अनुरूप क्या करने की आवश्यकता है। मोदी जी ने अपने पंच प्राण को बताते हुए रेड फोर्ट से कहा था कि हमें विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है। हमारी विरासत क्या थी, हमारी क्या विरासत है? विरासत से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े तो हम हमारी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा, सारी दुनिया में, मैं तो उस वक्त सारी दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था, बात कर रहा था, सभी विश्व के हेल्थ मिनिस्टर के साथ दैनिक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिनादिन बात होती थी। दुनिया को आश्चर्य था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन के सामने एजिटेशन चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, हमारी नर्स ड्यूटी पर नहीं जा रही है, हमारे पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। वैसी स्थिति में इंडिया में डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, नर्सिस भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, केवल सेवाएं नहीं, अपने प्राण की बिना परवाह करे वो देश को, देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त कर रहे थे। ऐसे मेरे डॉक्टर्स, ऐसे मेरे सभी नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ को मैं आज पार्लियामेंट के फ्लोर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उस वक्त मोदी जी ने उसको विरासत से प्रेरणा ली। विरासत क्या थी हमारी? हमारे देश में हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है, और कोई कंट्री के लिए, दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है, और इसलिए ये देश की जनता में सेवा भाव को प्रोत्साहित करने से हमें फायदा होगा, या तो उसका बेसिक, उसका मन को हम कंट्रोल सकते हैं। मोदी जी ने उस वक्त हमारे हेल्थ वर्क फोर्स के लिए थाली बजाई थी, आकाश में ट्राई कलर से उसको अभिनंदन किया था, और उसके जवाब में हमारे सारे देश के कोरोना वॉरियर्स लगे और देश को कोविड क्राइसिस से बचा लिया। ये हमारी विरासत है, और विरासत से प्रेरणा लेके हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? मेडिकल, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, जो भी बदलाव करना है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ। हमने केवल डिस्पेंसरी खोलने की बात नहीं की, भूतकाल में होता था, मांग आई तो डिस्पेंसरी खोल दो, जी नहीं, हमने डिस्पेंसरी भी खोली, लेकिन जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लास्ट माइल के व्यक्ति को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर उपलब्ध करानी है, तो उसके लिए हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 1,56,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बन गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए तो हमें मेडिकल की सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। और मैं आपको ये फ्लोर पर बताना चाहता हूँ कि 2014 के पहले 54,000 MBBS की सीट थी, आज 1,07,000 MBBS की सीट बन। आज मेडिकल MBBS की कॉलेज 350 थी, आज 704 MBBS की कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। एक क्यों किया? हम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी होगी, हमें डॉक्टर बनाना होगा। डॉक्टर बनने लगा, और उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन हम अच्छा, बेहतर,
और विश्व की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर का भी निर्माण करे और स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन भी दे, नॉट ओनली फॉर MBBS या मेडिकल एजुकेशन, बट नर्सिंग इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डेंटिस्ट्री इज वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये सब मेडिकल एजुकेशन का, एलाइड हेल्थ सर्विसेज इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये सब मेडिकल एजुकेशन का एक पार्ट है। और देश की रिक्वायरमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है और दुनिया की आवश्यकताओं को भी हमें पूरी करना है। उसके लिए जो एक होलिस्टिक का एफर्ट हमने लिया है, इस एफर्ट के फलस्वरूप हम सबसे पहले मेडिकल, नेशनल मेडिकल कमीशन लाए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद एलाइड हेल्थ सर्विसेज बिल लाए, एलाइड 56 टाइप की हेल्थ सर्विसेज के को रेगुलेट करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन का प्रावधान किया, उसको आगे बढ़ते बढ़ते हम आज डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग मिडवाइजरी बिल लेके आए हैं। और उसके लिए बहुत बड़ी, उसके लिए रिकमेंडेशन भी हुई है और मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमिटी 2013 में बनी थी और PGI चंडीगढ़ की एक्सपर्ट कमिटी ने कहा था कि सभी एजुकेशन के लिए आपको स्वायत्त कमीशन बनाना होगा, जो काउंसिल चल रही है उसके जगह पे आप कमीशन बनाओ, ऐसी रिकमेंडेशन की थी। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ने 2017 में 109वीं रिपोर्ट में भी कहा था कि सभी विभाग के सभी इस सेक्टर के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग कमीशन होना चाहिए। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी, उसमें भी बात रखी गई थी कि सभी हेल्थ सेक्टर के लिए अलग कमीशन का प्रावधान हो। उसको देखते हुए हमने दो कमीशन लाए और तीसरा कमीशन हम आज लेके आए हैं। ये लेके आने के लिए क्या ये उसको क्यों अनुशंसा करनी पड़ी, मैं इस फ्लोर पर बताना चाहूँगा कि समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ हम ना बदलाव करें तो हमें पीछे पीछे रहना पड़ जाता है। और इसलिए हम स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे दें, नर्सिंग का स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्योंकि सिनारियो बदल गया। डेंटिस्ट्री पहले केवल टीथ निकालना था, अभी बहुत उसमें बदलाव हो गया, अलग अलग टाइप की एक्सपर्टाइज आ गई, अलग अलग टाइप के डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट होने लगे। उसके लिए एजुकेशन सिलेबस तैयार करना, उसके लिए कोर्सेज चालू करना, उसके लिए सीट का प्रावधान करना, और उसके लिए जो बदलते समय की आवश्यकता है उसको कैसे हम फुलफिल करें उसका भी विचार करना आवश्यक था। उसको आज स्थिति ऐसी थी, जो काउंसिल है, हम सब लोगों ने मेडिकल काउंसिल की स्थिति देखी थी, और आज मेडिकल काउंसिल में और उस वक्त मेडिकल कमीशन में और काउंसिल में क्या फर्क पड़ गया। काउंसिल में जो लोग स्थापित लोग थे, कैसे भी करके इलेक्टेड होके आ जाते थे, 10-10, 15-15 साल से वही लोग इलेक्टेड होके आते थे, अपना ग्रुप बना लेते थे और स्थापित हित हो जाते थे, उससे बहुत मेडिकल काउंसिल की स्थिति बिगड़ गई थी। आज कमीशन के रूप में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मेडिकल कमीशन के द्वारा नई नई मेडिकल कॉलेज पारदर्शकता के साथ खोली जा रही है, मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना के सभी मेडिकल कॉलेज को आज नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ वर्चुअली जोड़ दिया गया है। 16 टाइप के कैमरा के द्वारा कोई फिजिकल इंस्पेक्शन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बिल में भी हम प्रावधान लेके आए हैं कि कोई नर्सिंग कमीशन के द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन की आवश्यकता ना हो, डेंटल कमीशन के द्वारा कोई डेंटिस्ट्री की कॉलेज का फिजिकल इंस्पेक्शन की आवश्यकता ना हो। ये व्यवस्था ऑलरेडी हमने नेशनल मेडिकल कमीशन में खड़ी कर दी है, उसमें 16 कैमरा लगा हुआ है मेडिकल कॉलेज पर, OPD कितनी आ रही है, पेशेंट कितने आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, रजिस्ट्री OPD रजिस्ट्री हो रही है दिखाई दे रहे हैं, कितने पेशेंट और कितने इक्विपमेंट है दिखाई दे रहे हैं। वहाँ हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारी मेडिकल कॉलेज को सूचना मिलने लगी है कि भाई आपके यहाँ OPD कम हो रही है, आपकी इतनी OPD होनी चाहिए, पप हो जाता है वहाँ पर, बढ़ाओ लेकिन आपकी मान्यता रद्द होगी, ऑटोमेटिक वो वहाँ तैयारी करने लगेंगे। वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हमें पता चलता है यहाँ बैठे बैठे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बता देता है कि ये मेडिकल कॉलेज में ये टाइप की सुविधा का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कम है, ये सारी इंफॉर्मेशन, आपका इंडोर पेशेंट कम है, तो ये मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन में इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा, जो लोग 10-15 साल से बैठे रहते थे वहाँ,
उसके जगह पे कमीशन बनने से, ये मिडवाइजरी नर्सिंग कमीशन में भी प्रावधान रखा है, डेंटल कमीशन में भी प्रावधान रखा है, केवल 4 साल से ज़्यादा वो नहीं रह पाएंगे। कमीशन की मुदत 4 साल होगी, उसके ज़्यादा कोई नहीं रह पाएंगे, ताकि पारदर्शकता आएगी। दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप वहाँ एजुकेशन दिया जाएगा। आज ये प्रावधान ही नहीं है, क्लेरिफिकेशन ही नहीं है कि कौन सा काम किसको करना है। अंदर कमीशन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसका नतीजा भुगतना पड़ता है हमारी डेंटल कॉलेज को, हमारी नर्सिंग कॉलेज को। नर्सिंग सेक्टर में भी ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन सर, दुनिया बदल गई है, दुनिया की रिक्वायरमेंट बदल रही है। ये बदलती रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोर्स सिलेबस सभी में बदलाव करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन की सिस्टम को बदलना है। आज एक ऐसी स्थिति मैंने देखी, एक बार मैं रिव्यू कर रहा था, तो इंस्पेक्शन करने वाले, नीति निर्धारण करने वाले और बांटने वाले, या तो एफिलिएशन कॉलेज को अप्रूव करने वाले वही होते थे। तो जो रूल्स रेगुलेशन और प्रावधान होते थे, मैं प्राइवेट कॉलेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट कॉलेज के हित में ही वहाँ जो नीतियाँ बने उसके लिए प्रयास करूँगा। प्राइवेट कॉलेज के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस वहाँ नहीं होना चाहिए, उसके पर उसको बैलेंस करने वाला आज कोई नहीं था। माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, बट मेरा कोई कंट्रोल उसके पर नहीं। एक काउंसिल तय करेगी, वो होगा, हम उसके पर कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित तो होनी चाहिए। तो ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान और कोई व्यवस्था ये दोनों में, दोनों काउंसिल में नहीं थी। फिर वो उसको कैसे हम रिस्पॉन्सिबल करें, हम उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करें, हम उसको कैसे बेस्ट तरीके से रेगुलेट करें, हम उसको कैसे स्वायत्त बॉडी। यहाँ मेरे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी अपने बिल के विषय के संदर्भ में अपने बात रख रहे थे, तब वो बोल रहे थे कि स्वायत्त, हम उसको वर्क करने के लिए स्वायत्त देना चाहते, दैनिक काम में हम कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो काउंसिल है, उन्होंने जो जजमेंट दे दिया, उसकी कोई अपेलेट अथॉरिटी ही नहीं, और कोई डिसीजन ऐसा हो गया है तो उसको बदलने की कोई व्यवस्था नहीं। आज नेशनल मेडिकल कमीशन में हमारा MARB बोर्ड कोई डिसीजन ले लेता है, वो अपनी वजह से कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा हमारा कहने का आशय नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई डिसीजन लिया और उसके सामने किसी को कुछ कहना है, मेडिकल कॉलेज को कुछ कहना है, तो आज वो मेडिकल कमीशन के चेयरमैन के सामने अपील करते हैं। मेडिकल कमीशन के चेयरमैन से भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो मिनिस्ट्री में वो अपील करते हैं, और वहाँ से 3 स्टेप उसको मिल जाता है, बाद में ही उसको कोर्ट में जाने की स्थिति निर्माण होती है, ताकि कोर्ट का केस भी नहीं बढ़ता है। पहले ऐसी स्थिति थी, हर दिन हर मेडिकल कॉलेज कोर्ट में चली जाती थी। मैं आज आपको माननीय डिप्टी चेयरमैन सर बताना चाहूँगा, खुशी से बताना चाहूँगा, ए दिस ईयर 54 न्यू मेडिकल कॉलेज हमने अलॉट की है, 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन दी, प्राइवेट को भी दी है, गवर्नमेंट को भी दी है, लेकिन आज कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, सब कंसेंस से हुआ है। हमने उसको बता दिया, भाई आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं देंगे, एकदम पारदर्शकता के साथ, कोई किसी को मिलना नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज को, पहले तो ऐसा था कि मेडिकल कॉलेज लेना मतलब दूसरी तीसरी बात होती थी, हमने क्लियर किया, मैंने स्वयं ने एक बार सभी मेडिकल कॉलेज की मीटिंग करके कहा, कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है, कोई बिचौलियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट पूरी की। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास फैकल्टी होनी चाहिए, और तीसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास पेशेंट होना चाहिए। ये 3 प्रावधान पूरा करने वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, आप खुशी से आइए, भारत सरकार आपको अप्रूवल दे देंगे। आज 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल ये साल में दिया गया, क्योंकि हम देश में, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ इस तरह से हम रेगुलेट करके रखें मेडिकल एजुकेशन को, नर्सिंग एजुकेशन को, डेंटल एजुकेशन को, ताकि हमारे स्टूडेंट को विदेश जाने की नौबत आए। हमारे प्रति वर्ष हजारों की संख्या में हमारे स्टूडेंट विदेश पढ़ने के लिए जाए और वहाँ खर्च करें, वहाँ एजुकेशन क्वालिटी कैसी है नहीं है उसका मैपिंग हम यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते हैं। और हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान यूक्रेन की स्थिति देखी, जब मुझे मेल आने लगा कि हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हो गया है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालिए,
और मैं बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल यूक्रेन में ही नहीं होंगे, दुनिया के देशों में कितने हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेडिकल एजुकेशन में है। तो पता चला कि 60,000 स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे थे और उसको कोविड के दरमियान और यूक्रेन क्राइसिस के दरमियान ये स्थिति में मोदी जी ने वापस लाने की एक बहुत बड़ी मुहिम ऑपरेशन चलाया और हमारे सारे स्टूडेंट को वापस लाए। तब पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट विदेश में पढ़ते हैं। क्या हम हमारे देश के युवाओं को इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते? क्या हमारे हमारे स्टूडेंट यहाँ पढ़े, हमारे ट्राइबल विस्तार के, हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट युवा उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन लेने का अवसर मिले, हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले या तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हमारे युवतियों को नर्स बनने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? और हमने लगभग ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज चालू कर दी है और आगे मेडिकल कॉलेज हम बढ़ाते जा रहे हैं और उसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी। नर्सिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज देश में यहाँ बात हो रही थी कि ऑफ डेंटिस्ट, ये हमारा सॉफ्ट पावर है, उससे हम दुनिया की सेवा भी कर सकते हैं और आजीविका भी कमा सकते हैं। हम भली भांति समझते हैं, आज हमारे केरला की नर्सिस, आज हमारे भारत की नर्सिस, आप अमेरिका में जाओ कल्पना ही नहीं कर सकते भारत के डॉक्टर और भारत के नर्सिंग के बिना वहाँ का हेल्थ सेक्टर पूरा हो सकता है। जी नहीं, आज अमेरिका की 8% नर्सिस इंडियन नर्सिस है। आप गल्फ कंट्री में चले जाओ, गल्फ कंट्री में ज़्यादातर हमारा हेल्थ वर्क फोर्स इंडियन है। और आप केरला में चले जाओ, केरला की जो आपको समृद्धि दिखाई दे रही है वहाँ बहुत बड़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन लोगों का परचेज पावर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ से दुनिया में जा रहे हैं नर्सिंग के रूप में, पैरामेडिक स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिरहम और डॉलर में पैसा कमाते हैं और अपने वतन में वो पैसा भेजते हैं ताकि हमें वहाँ हमारी समृद्धि दिखाई दे रही है। ये समृद्धि को एनकेस करने के लिए देश में नर्सिंग की संख्या बढ़े, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो, हील बाय इंडिया, हम इंडिया के द्वारा दुनिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हील बाय इंडिया के तहत वो दुनिया में भी अपनी सेवा दे सके, उसके लिए आज नर्सिंग सेक्टर में भी सिलेबस बदल रहा है। दुनिया की क्या डिमांड है, दुनिया में आज विश्व के यूरोपियन देश, जापान, वहाँ से डिमांड आती है कि हमें इंडियन नर्स चाहिए, क्योंकि इंडियन पीपल्स आर पोलाइट एंड पीस लविंग। इंडिया के लोग पोलाइट होते हैं, पीस लविंग होते हैं और इसलिए दुनिया चाहती है कि इंडिया के मेन वर्क फोर्स हमारे यहाँ आए। जापान ने कहा कि जापानीज लैंग्वेज हमें सिखानी है और हमारी नर्स यहाँ से तैयार हो, जापानीज लैंग्वेज में तैयार हो, और उन्होंने आग्रह रखा कि नॉर्थ ईस्ट से हमें नर्सिंग वर्कफोर्स मिले तो अच्छा है। और मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि हमने असम की 3 नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना चालू कर दिया और हमने डिसीजन लिया है कि सब भी हमारी नर्सिंग कॉलेज है वहाँ नर्सिंग कॉलेज में सेकंड लैंग्वेज के रूप में 5-6 लैंग्वेज हमने आइडेंटिफाई की है। ये 5-6 लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, उसमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीखे ताकि वो यहाँ से वहाँ जॉब के लिए जाए तो उसको सुविधा रहे और दुनिया की भी मांग पूरी हो और हमारे देश के लोगों को रोजगारी का अवसर भी मिले, देश में भी रोजगारी का अवसर मिले। और केवल हम मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, उसके साथ हम देश में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया कि हमने मेडिकल कॉलेज चालू की है, सब भी मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी हम मंजूर करते हैं, 10 करोड़ रुपया एडिशनल दिया जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी, BSc नर्सिंग कॉलेज भी वहाँ स्टार्ट हो और वहाँ बेहतर एजुकेशन मिले। यहाँ सम्माननीय सदस्य ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन एलाइड हेल्थ सर्विसेज के लिए भी मेडिकल कॉलेज में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं भारत सरकार मानती है
कि मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज MBBS का ही एजुकेशन दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। MBBS के साथ वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी चले, वहाँ पैरामेडिक और हेल्थ सर्विसेज भी, ऑल टाइप ऑफ एलाइड हेल्थ सर्विसेज के कोर्स भी चले। और हमारे थंबी दुराई जी ने कहा हम तो ओपन है, लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट नहीं करती होगी, तो मैं अवश्य लिखूंगा कि संसद में ये विषय उठा है, आप आपके राज्य में एलाइड हेल्थ सर्विस का कोर्स को चालू करना चाहे तो अवश्य उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही मिल जाता है और हमें हेल्थ वर्क फोर्स, न्यू स्किल हेल्थ वर्क फोर्स मिल जाता है, तो हमें अपॉर्चुनिटी को एनकेस करना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि राज्य सरकार उसके पर काम करे। यहाँ नेक्स्ट के बारे में भी बात हुई, नेक्स्ट की एग्ज़ाम हम मेडिकल कॉलेज में भी MBBS के भी लेना चाहते हैं, और डेंटल कमीशन द्वारा डेंटिस्ट्री और नर्सिंग के लिए भी लेना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये है, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी लीगल विभाग में हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई LLB करता है तो LLB हो गया, लेकिन उसको एडवोकेट के रूप में जब प्रैक्टिस करनी है तब उसको एग्जाम पास करनी होगी, जब एग्जाम पास करने के बाद ही वो प्रैक्टिस कर पाएगा। वैसे आप MBBS हो गए, आप नर्स BSc नर्सिंग हो गए, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन जब आपको नर्सिंग के रूप में कोई जगह पे जॉब में जाना है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको नर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको नेक्स्ट एग्जाम लेनी है, और नेक्स्ट एग्जाम से पास आउट व्यक्ति वहाँ जा सकता है, और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एग्जाम कठिन एग्जाम ले ऐसा नहीं है, जिन्होंने जिस विषय की पढ़ाई की है उसका एक एवरेज असेसमेंट के रूप में वो लिया जाने का प्रावधान हमने किया है। ये साल में तो हमने नहीं लिया है, और अगले साल में हमने MBBS के लिए नेक्स्ट एग्जाम को अभी उसकी प्रिपेरेशन हो रही है, बाद में लेंगे। लेकिन एक तरह से सारा मेडिकल पैरामेडिकल एजुकेशन एक सिस्टम में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट हमारा नर्सिंग एजुकेशन दे पाए, हम बेस्ट से बेस्ट हमारा डेंटिस्ट एजुकेशन दे पाए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है, मेडिकल एजुकेशन का हमारे देश की वर्तमान रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, देश की भविष्य की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, क्वालिटी एजुकेशन हमें हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करना है, स्थापित हितों से देश को मुक्ति दिलाना है, एक पारदर्शी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शुरू किया है उसकी श्रेणी में ये तीसरा और चौथा बदलाव है। फार्मेसी कमीशन भी पांचवा बदलाव के रूप में आएगा, ताकि एजुकेशन की सिनर्जी बनी रहेगी, पारदर्शिता से इस सेक्टर में एजुकेशन होगा, कोई बिचौलिया और किसी की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी, एक बैलेंस एजुकेशन यानी कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपील की दी जाएगी, ताकि उसकी कोई बात को रखना है तो अवश्य रख पाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ असेसमेंट करना है, ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम से कम करना है, ताकि एजुकेशन सचमुच एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा एजुकेशन बने और दुनिया में ये छवि होनी चाहिए। आज मुझे प्राउड है, हम सबको प्राउड है, इंडियन डॉक्टर हैं, दुनिया रिगार्ड करती है, दुनिया को हेल्थ वर्क फोर्स चाहिए तो पहला वो अप्रोच करे इंडिया को कि इंडिया से हमें नर्स मिल रही है, इंडिया से हमें डेंटिस्ट मिल रहा है, इंडिया से हमें डॉक्टर मिल रहा है, इंडिया से हमें अलाइड हेल्थ सर्विस फोर्स मिल रहा है, तो पहली प्रायोरिटी दुनिया के लिए इंडिया होनी चाहिए। ऐसा एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम नर्सिंग कमीशन और डेंटिस्ट कमीशन बिल लेके आया है, एक के बाद एक बिल में आपके सामने रखूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे श्रद्धा है कि यूनानिमसली हम बिल पास करेंगे। I shall first put the motion regarding